Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest upload. Hello दोस्तों, मैं हूँ राहुल और आपको बता दूंगा शिवाशीष ने ले लिया है बिग बॉस से पंगा। जी हाँ, आपको बता दें कि बिग बॉस भी भड़क चुके हैं शिवाशीष पे। जैसा कि रोमन चौधरी कैप्टन बन जाने के बाद शिवाशीष बहुत ही उजड़े उजड़े से घूम रहे थे और उनको ये हार अपनी हजम नहीं हो रही थी। और दूसरे ही दिन शिवाशीष ने उतार दिया ये गुस्सा बिग बॉस पर। जी हाँ, आपको बता दें कि बिग बॉस ने रोमिल चौधरी को एक विशेष अधिकार देकर उनको एक टिकट दिया था जो कि रोमिल चौधरी शिवाशीष मिश्रा को दे देते हैं, पर शिवाशीष मिश्रा वो लेने से इनकार कर देते हैं और वो चीख चीख कर बोलने लगते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा ये टिकट लेके, किसी को कुछ भी करना है कर ले, भले बिग बॉस भी बोलेंगे मैं उसकी भी बात नहीं मानूंगा। और वो गुस्से में होकर बैठ जाते हैं। फिर घर वाले उनको बोलते हैं पर वो किसी की भी बात नहीं मानते और वो बिग बॉस को बुरा भला बोलने शुरू हो जाते हैं। फिर बिग बॉस शिवाशीष मिश्रा को बोलते हैं कि वो ये बात माने, अपने कैप्टन की बात माने, पर शिवाशीष उस पर भी बिग बॉस को सुना देते हैं और बोल देते हैं मैं नहीं मानूंगा, जिस पर बिग बॉस गुस्सा हो जाते हैं और फिर वो शिवाशीष मिश्रा की इस गलती की सजा सभी घर वालों को दे देते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि शिवाशीष की ये सजा सभी घर वालों को अगले हफ्ते के लिए सभी घर वालों को नॉमिनेट करके दे देते हैं। पर आपको बता दें कि इस नॉमिनेशन में सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ है वो है कॉमनर्स का। जी हाँ, जैसा कि सेलिब्स को तो सपोर्ट करने के लिए लोग काफ़ी फैन फॉलोइंग लेकर आए हैं, पर कॉमनर्स तो इस घर में से ही फैन फॉलोइंग अपनी बना रहे हैं, तो इसलिए ये फैसला कॉमनर्स के लिए नुकसानदेह है। तो फिलहाल बिग बॉस के घर से इतने ही मजेदार अपडेट्स के लिए AXT प्रोडक्शन को सब्सक्राइब करें। और आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है और कौन जीत सकता है बिग बॉस सीजन 12 कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया।